नमस्कार दोस्तों, समय है रात के 9:30 बजे का, समय है एमसीक्यू का। बात करेंगे एमसीक्यू पर। सबसे पहले बधाई दूं मैं आपको देश के लिए। देश के माननीय गृह मंत्री ने आज जो कश्मीर के लिए प्रस्ताव दिया, जम्मू कश्मीर का प्रस्ताव दिया, उसके लिए बधाई सभी देश के वासियों को, सभी मैं कहूँगा इवन कश्मीर के वासियों को बधाई उस बात के लिए। कहीं ना कहीं जो बाधा थी विकास में एक, वो यहाँ खत्म हो जाती है। बात करेंगे आज के एमसीक्यू पर। इस मुद्दे पर बनाऊंगा मैं टॉपिक आपके लिए, चर्चा करूंगा आपके साथ टॉपिक पर। पहले हम देखें आज के एमसीक्यू क्या है। तो पहला एमसीक्यू सेशन आपके साथ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्वलाइजेशन लेवी। इट इज एम्ड एट टैक्सिंग बिजनेस टू बिजनेस इंटरैक्शन इन द डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस। इट इज इनडायरेक्ट स्पेस। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज इनडायरेक्ट स्पेस। विच वन इज द करेक्ट? दो स्टेटमेंट देखने हम लोग यहां पर हिंदी में। सामान्यकरण लेवी के संदर्भ में कदम विचार करें। इसका उद्देश्य डिजिटल विज्ञापन क्षेत्र में व्यापार से व्यापार लेन देन पर कर लगाना है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या बोलते हैं दोस्तों आप इस बारे में? सामान्यकरण लेवी। बिजनेस टू बिजनेस, कोई कंपनी अपना ई कॉमर्स वेबसाइट पर विज्ञापन कराती है, उसे टैक्स देना होगा। डायरेक्ट टैक्स होगा। जी हाँ, डायरेक्ट टैक्स होगा। यह लगेगा ई कॉमर्स वेबसाइट पर। इसका आंसर होगा ए, यानी एक प्रकार से डायरेक्ट टैक्स है, ना कि अप्रत्यक्ष कर है। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये लगेगा व्यापार से व्यापार लेन देन पर, अर्थात भारत के भीतर विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को होने वाली आय पर कर। इनकम टैक्स, आय पर कर, इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। तो आंसर होगा ए, यानी केवल एक सही, दूसरा अप्रत्यक्ष नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मांगो दोस्तों आपके साथ। डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, WTO और IMF। ये जो शब्द है आपका, शब्दावली है ये, डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर किससे संबंधित है? WEF से, विश्व बैंक से, विश्व संगठन से या मुद्रा कोष से? दोस्तों ये संबंधित है विश्व बैंक से आपके। विश्व बैंक इसको देखता है कि कोई रेगुलेटर, कोई नियामक जैसे लाइक RBI कितना अच्छा काम कर पा रहा है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहा है वो। तो रेगुलेटर्स के परफॉर्मेंस को रैंक देने के लिए ये यूज करते हैं हम लोग, इस डिस्टेंस ऑफ फ्रंटियर स्कोर। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम यूज करते हैं डिस्टेंस ऑफ फ्रंटियर स्कोर, और भारत जुड़ा हुआ है वर्ल्ड बैंक से इसमें, तो वर्ल्ड बैंक यूज करता है इस इंडेक्स को। दोस्तों प्लीज मैं फिर कहूंगा, लाइक करें हमारा प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है मैं जानता हूं आपको, तो लाइक करें। अब अभी आपने NCERT वाला शो देखा होगा, अभी हम बात कर रहे हैं MCQs पर। NCERT का प्लान कैसा लगा बता दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग। NCERT में हम लोग लाइव थे, ये आपका चंग चैट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आपको जो भी कहना हो कह सकते हैं NCERT के बारे में मुझे। आप मूव करेंगे आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर आऊंगा दोस्तों आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। बांदीपुर, जी हाँ, कर्नाटक में आता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। चर्चा में था टाइगर और सड़क को लेकर, जहां सड़कों पर टाइगर देखे गए, सड़कों बंद करने की बात कही गई है। कर्नाटक में आता है टाइगर रिजर्व बांदीपुर का। चौथा क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए दोस्तों है, PMI से आप क्या समझते हैं? PMI परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, PMI इंडिकेटर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ओनली, इट इज सर्वे बेस्ड मेजर। दो स्टेटमेंट है आपके पास, हिंदी देखा जाए आपके संग। PMI परचेज मैनेजर इंडेक्स के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला कथन, PMI केवल अंडरलाइन करिए, केवल विनिर्माण गतिविधियों का संकेतक है और यह एक सर्वेक्षण आधारित उपाय है। दोस्तों बता दूं PMI क्या होता है। PMI में एक इंडेक्स जारी होता है, जहां कंपनी, सर्वे करने वाली कंपनी जाती है अलग मैनेजर के पास और पूछती है कि आपने कितनी खरीदारी की है और कितना निर्माण कार्य इस हफ्ते या इस महीने किया जाएगा। यानी सर्वे है जो कंपनी सर्वे कराती है, वो जाती है अन्य मैनेजर के पास, कंपनियों के पास, उनसे पूछती है कि आपने कितना माल खरीदा है और कितना माल इस बार उत्पादन करेंगे, परचेज कितना किया है माल। तो ना केवल ये आपका यूज होता है इंडस्ट्री में, बल्कि यूज करते हैं सर्विस में भी। यानी पहला शब्द गलत हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर, और दूसरा सही, यानी आंसर होगा बी। ये विनिर्माण और सेवा एक्टिविटी बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, दैट वन इज विनिर्माण और सेवा, दोनों में लागू होता है ये, और ये आपका आंसर होगा बी। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इंडिया में आता है, हर महीने आता है। यदि स्कोर 50 के ऊपर है इस इंडेक्स का तो अच्छा माना जाता है अर्थव्यवस्था के लिए, 50 से नीचे है अर्थव्यवस्था खराब काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे दोस्त, इजी क्वेश्चन ये भी। विच सिटी इज गोइंग टू होस्ट रूरल इनोवेटर स्टार्टअप कॉन्क्लेव RISC 2019? हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है अपने आप में ये। कौन सा शहर ग्रामीण इनोवेटर्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है? सेप्टेम्बर महीने में आयोजन ये इसको कर रहा है, हैदराबाद आयोजित। तो हैदराबाद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRDPR सेप्टेम्बर महीने में आयोजित करेगा आपका प्रोग्राम, हैदराबाद शहर यहां आयोजित करेगा इसको। आगे बढ़ेंगे आपके साथ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पे आएंगे हम लोग। 6 नंबर पर EESL
एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये कंपनी का पूछे, दो स्टेटमेंट दिए आपको यहाँ। पहला स्टेटमेंट है इट इज ज्वाइंट वेंचर फॉर फोर नेशनल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये चार कंपनी चार सरकारी कंपनियों का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, एक ज्वाइंट कंपनी है, और ESL देश में लीड करती है ऊर्जा बचाने वाले अभियानों पर, और ये भाग है NMEEE का। माफी चाहूंगा, थोड़ा खराब चल रहा है इस वजह से दोस्तों। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, तो हिंदी में क्वेश्चन देखने आपके साथ क्या है, एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड यानी ESL संदर्भ में कथनों विचार करें। पहला कथन, यह चार राष्ट्रीय सार्वजनिक का एक संयुक्त उपक्रम है, ESL एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी है, और एनर्जी मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन की गतिविधियों का नेतृत्व करती है। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसके ज्ञानवर्धक जानकारी याद रखिएगा, चार कंपनियां कौन कौन सी इसको बनाती हैं, चारों कंपनियों नाम दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, NTPC, PFC, REC और पावर ग्रिड का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ESL, जो बनाया को, और इसका काम क्या है, देश में ऊर्जा बचत। आप सुनते होंगे LED बल्ब बांटना, सुना होगा आपने उजाला स्कीम के बारे में, आपने सुना होगा सोलर पंप बांटने के बारे में, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, आपने सुना होगा नेशनल मिशन चल रहा है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, फेम मिशन चल रहा है हमारे यहाँ गाड़ियों को बांटने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बांटने का, ये सारे मिशन को स्पॉन्सर करती है ESL, बड़ी कंपनी है, ऊर्जा दक्षता को बचाने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाती है ESL। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, 7 पर मैं जाऊं, थोड़ा देख लेते एक बार आपके साथ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, PDF बन चुकी है, चुकी करेक्शन थोड़ा डाल दूं यहाँ पर, करेक्शन छोटा करेक्शन आपको करना है, तो 55 लाख लिखा है ना, इसको 35 लाख कर लीजिएगा, बाकी आंसर सही बनेगा। तो एरा बिल 2019, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, बिल अमेंड द एरा अथॉरिटी इंडिया एक्ट 2008, बिल एस्टैब्लिश करता है एरा को, और बिल के जरिए एयरपोर्ट्स की परिभाषा बदली जा रही है 15 से 35 लाख, 35 कर लीजिएगा उसको, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, मैं करेक्शन कर दूंगा आपको PDF में, 15 से 35 लाख। हिंदी पढ़े आपके साथ, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण यानी संशोधन विधेयक, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2019 के संदर्भ में विचार करें। यह विधेयक भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करता है, यह अधिनियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना करता है, यह विधेयक प्रमुख हवाई अड्डों के लिए वार्षिक यात्रियों सुविधा को सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख तक करता है, 35 लाख शब्द है, वहां याद रखिएगा। जी हाँ, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ये एरा के मुताबिक 35 लाख से अधिक यात्री यदि आते हैं एयरपोर्ट पर तो बड़ा बंदर बड़ा एयरपोर्ट कहलाएगा, उससे कम आते हैं तो माइनर एयरपोर्ट कहलाएगा, तो 35 लाख कर दी गई है सीमा। जी सही है, इसके तीनों आंसर सही है, 1, 2, 3, यदि 35 कर दिया जाए और 35 हटा दें अगर हम तो 1 और 2 सही माना जाएगा, अगर यहाँ 35 कर दूं तो 1, 2, 3 तीनों सही माने जाएंगे, तो आंसर होगा 7th का डी। क्वेश्चन आएंगे आपसे 8वें नंबर पर आऊंगा मैं, मेघदूत ऐप क्या है, मेघदूत, जी हाँ मेघदूत ऐप जारी की गई है देश के अंदर, क्या है मेघदूत ऐप, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए या डॉक्टर्स के लिए, क्या है मेघदूत ऐप, किसके लिए लॉन्च की है मेघदूत ऐप, दोस्तों बताएंगे मुझे आप, मेघदूत ऐप किसके लिए हो सकती है, किसानों के लिए, वर्षा कब होगी, मेघदूत संदेश लाएगा आकाशवाणी, मेघदूत जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने लॉन्च किया किसानों के लिए नया मोबाइल ऐप मेघदूत नाम का, इसे भारतीय तैयार किया है IMD, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, IITM और ICAR ने मिलकर, इसके एक्सपर्ट ने मिलकर तैयार किया है मिनिस्ट्री के अंतर्गत, आंसर होगा कृषि के लिए तैयार किया गया इस ऐप को। दोस्तों फिर कहूँगा लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियोस को, पसंद आ रहे हैं वीडियो शेयर कीजिए, बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए, MCQ तैयार किए जा रहे हैं, NCERT के MCQ लेकर आया हूँ मैं, बहुत जल्दी आपके लिए TOD सीरीज लॉन्च करूँगा आपके लिए मैं, टॉपिक ऑफ द डे सीरीज, उसके बाद एडिटोरियल्स हैं, PIBs हैं, बहुत बड़ी शेड्यूल था दोस्तों। फिर कहूँगा मैं Unacademy Plus पे क्लास चालू हो रही है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर करंट अफेयर्स कोर्स चालू हो रहे हैं, वहाँ अलग काम होता है, लोड थोड़ा पेमेंट वाला काम है वो करना पड़ जरूरी है, चलाना जरूरी है चीज़ों को, तो वहाँ पर पेमेंट वाले कोर्स चल रहे हैं या फ्री कोर्सेज चल रहे हैं, दोनों में बहुत लोड इसका ऑफलाइन कोर्सेज हैं, तो प्लीज़ सहयोग कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक, जितना मैक्सिमम शेयर करेंगे उतना मेरा मन भी होता है कि चीज़ों को बढ़ाया जाए, आप ही का प्यार है, कुछ ही दिनों में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, इतनी संख्या बल पर आ चुके हैं, तो आवश्यकता है कि आप प्यार को बनाए रखें, बढ़ाते रहें इसको, जितना बढ़ेगा उतना मैं शो लाऊंगा दावा है मेरा आपके साथ, नंबर ऑफ आपका प्यार बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़ता जाएगा, मैं आपके नए नए शो लाता रहूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पर जरूरी है आप प्यार रखें अपना, अपना सहयोग बना के रखें हमारे साथ। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, क्वेश्चन नंबर आऊंगा मैं 9 नंबर है, इंडिया फर्स्ट नेशनल टाइम लीज स्टडी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, इट इज कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट रेवेन्यू अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस, द एक्सरसाइज इज बीन कंडक्ट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट टू इम्प्रूव ग्लोबल ट्रेड,
भारत के प्रथम नेशनल टाइमली स्टडी के संदर्भ में करना विचार करें। इसका आयोजन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। यह अभ्यास वैश्विक पास सुधार के लिए अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धता के तहत वैश्विक सुधार के लिए अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। क्या बोलते हैं दोस्तों कुछ आइडिया इसके बारे में? आंसर है इसका सी, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। ये भारत के प्रथम नेशनल आयोजन किया गया। इसका आयोजन ग्लोबल ट्रेड में अपनी कंडीशन, अपनी रणनीतियों को बेहतर करने में किया जा रहा है। अंतिम क्वेश्चन आऊंगा दोस्तों मैं, अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नाइजीरिया हैज बिकम द फोर्थ अफ्रीकन कंट्री टू ज्वाइन द ग्लोबल कोलिशन ऑफ द विलिंग ऑन पॉलिनेटर्स। इथोपिया वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू पार्ट ऑफ ग्लोबल कोलिशन 2017। तो बात कही गई है ग्लोबल कोलिशन टू प्रोटेक्ट पॉलिनेटर्स, पराकरणों की सुरक्षा के लिए वैश्विक संगठन GCPP के बारे में कथन विचार करें। नाइजीरिया पराकर्ता ग्रस्त सुरक्षा के लिए वैश्विक गठबंधन में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। इथोपिया 17 में गठबंधन का सदस्य बनने वाला पहला अफ्रीकी देश था। जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इसका आंसर होना चाहिए सी। ये बात की थी मैं करंट अफेयर्स क्लास में, आंसर है सी इसका। तो आंसर है इसका सी, यानी कि ये 10वां क्वेश्चन था दोस्तों। तो यहां मैं आपके डिस्कशन रोकूंगा आज आपका। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपके साथ 7:30 बजे। टाइम है कल का याद रखिएगा 7:30, थोड़ा चेंज किया मैंने आपकी भले के लिए, थोड़ा अपने आलस के लिए। तो 7:30 कर दिया मैं सुबह का टाइम आपके लिए, 7:30 मुलाकात करूंगा। अभी कुछ देर में सारे PDF, सुबह का हिंदू का PDF प्लस PIB का PDF प्लस MCQ का PDF और NCERT जो मैंने आपको दिखाया शेड्यूल थोड़ी देर पहले उसका PDF चारों आपको आपकी ऐप पर कमेंट बॉक्स में हर जगह मिलेंगे। जो ग्रुप पर जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे टेलीग्राम पर, वहाँ भी मिल जाएगा आपको ये, सब जगह शेड्यूल होगा। ज्योग्राफी फिर बोलूँगा, चालू कर रहा हूँ मैं थर्सडे नाइट से आपके साथ 9 बजे ज्योग्राफी के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। NCERT पढ़िएगा, तैयार रखिएगा NCERT, MCQ पढ़ते रहिए, डिस्कस करते रहिए, शेयर करते रहिए। शेयर नहीं करेंगे फिर कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे मुश्किल बढ़ती जाएगी हम लोगों के लिए। आप लोग का प्यार मिल रहा है, प्लीज़ मिलता रहे, ज़रूरी है हमारे साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, बात करूँगा आपके साथ सुबह 7:30 बजे द हिंदू मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।